क्या सोच रहे हो मेरे भाई? आधी जिंदगी निकल गई, अब आधी बाकी है। समय मत बर्बाद करो, क्योंकि समय ही पैसा है। उठो और जागो, सोच और आदत बदलो, मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आप मेरी बात को आसानी से समझ सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत ही चतुर और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा में से एक था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। राजा ने साधु से पूछा, अच्छा बताएं, एक समय और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति में से कोई राजा बन जाता है और कोई फकीर? आखिर फर्क क्यों, क्या कारण है, हमें बताएं। जन्म भी एक ही समय और नक्षत्र भी एक ही है, तो कारण क्या है, गुरुजी बताने का कष्ट करें। मैंने बहुतों से पूछा मगर सही जवाब नहीं मिला। साधु राजा की बात सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। साधु ने कहा, राजा अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं बोलूं? राजा ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुजी बताइए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो अवसर को संदेह की नजर से देखता है वही कुछ नहीं कर पाता है। हे राजन, मेरी बात सुनो। तुम पिछले जन्म में तीन भाई थे। जब तुम तीनों भाई खाना खाने बैठे थे तो एक फकीर आया। वो बहुत ही भूखा था और इशारे में खाना मांगने लगा। तुम्हारे दोनों भाई ने यह सोचकर खाना नहीं दिया, अगर हम अपना खाना दे दे तो हम क्या खाएंगे। ये सोचकर तुम्हारे भाई ने खाना नहीं दिया, मगर हे राजन, तुम बिना सोचे समझे तुमने अपना खाना दे दिया और तुम्हारा खाना लेके भिखारी चला गया। इसका अर्थ होता है कर्म ही मनुष्य को राजा और फकीर बनाता है।